हथियारबंद अपराधियों ने जमकर तांडव मचाते हुए करीब 11 लाख की लूट की घटना को अंजाम देते हुए फरार हो गए। घटना में 3 कर्मी जख्मी भी हैं, जिनका इलाज भागलपुर में जारी है। घटना बांका थाना के शंकरपुर स्थित बीती देर रात बालू संवेदक महादेव इनक्लेव धर्मकांटा की है। घटना के बारे में कर्मी राजन और पवन शर्मा ने बताया कि बीती देर रात करीब 10 की संख्या में हथियार और बम से लैस अज्ञात अपराधियों ने पहले कैश काउंटर खुलवाने की कोशिश की, लेकिन जब सफल नहीं हुए तो कुछ राउंड फायरिंग के साथ ही 3 बम से हमला कर दिया, जिसमें दरवाजा खुलते ही हथियार बंद अपराधी अंदर घुसकर कर्मियों से मारपीट करते हुए रुपये से भरा बक्सा लेकर भागते दिख रहे हैं। सारी वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। सीसीटीवी फुटेज में साफ दिख रहा है कि करीब 4 अपराधियों के हाथ में कट्टा है, जो कर्मियों को धमका कर पैसे की मांग कर रहे हैं। इस बाबत कर्मियों ने कहा कि घटना के समय थानाध्यक्ष को फोन करने के बाद फोन नहीं उठा। वहीं कुछ देर बाद सड़क से गुजर रही पेट्रोलिंग वाहन से शिकायत करने पर भी कोई कार्रवाई नहीं की गई। धर्मकांटा के कर्मियों की माने तो अपराधियों ने करीब 8 राउंड फायरिंग और 3 बम से हमला कर घटना को अंजाम दिया है। धर्मकांटा इंचार्ज करीब 10 से 11 लाख रुपए लूटने की आशंका व्यक्त कर रहे हैं। गौरतलब है कि शंकरपुर धर्मकांटा पर पूर्व में भी 2 बार हथियारबंद अपराधियों ने घटना को अंजाम दिया है, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं होने से अपराधियों के हौसले बुलंद रहने के चलते आए दिन अपराधी घटना को अंजाम देते रहते हैं। 2 बजे का समथिंग टाइम था, हम ड्यूटी पे बैठे थे, मैं वहाँ पे बैठा था और मेरे साथ वाला 2 लड़के कट्टे के अंदर थे। तो हमने देखा कि पीछे से 8-10 आदमी इधर से आए बंदे, उन्होंने नकाबपोश थे, उन्होंने फायरिंग और बम से हमला कर दिया, फायरिंग चालू कर दी। कितनी फायरिंग किया यहाँ पे? लगभग उन्होंने 10 राउंड किया होगा और 2-3 बम फोड़े हैं। अच्छा, फिर क्या हुआ? फिर वो उन्होंने गेट से बम से गेट को उड़ा के और अंदर घुसे, हमारे लड़कों के साथ मारपीट की, गोली वोली चलाई और कैश लेके फरार हो गए। अच्छा, यहाँ के प्रभारी हैं, उनसे जाना था, बताइए कितने की लूट हुई है और क्या क्या वारदात हुई है रात में? लूट मार तो सर ये है कि जो हमारी क्लोजिंग गाड़ियों की होती है वो 102 गाड़ी करीब क्लोजिंग है, और कुछ एडवांस गाड़ी है उसके अंदर, जो एडवांस के अंदर हमारे टोकन जो काट दिए जाते हैं उसके कुछ अमाउंट है। मतलब एक अंदाज़ा क्या कितने का लूट हुआ होगा? अंदाजा 10 के 11 करीब, 11 से ऊपर ही है। 11 लाख से ऊपर की लूट हुई है। कितने जख्मी हुए थे और क्या करवाया आप लोग? पुलिस को सूचना दिए कि नहीं? जी, आप लोगों ने पुलिस को सूचना दिया कि नहीं? सूचना की गई थी, पेट्रोलिंग को भी फोन किया गया था, बड़े बाबू को उनको भी फोन किया गया था। रात में जो राजेंद्र जी हमारे दूसरे मेरे साथी है, जो उन्होंने फोन किया था, लेकिन उनसे फोन उनका रिसीव नहीं हो पाया। अच्छा, तो पेट्रोलिंग यहाँ पे थी तो बोले हम यहाँ गश्ती से अलग से हैं, बोले उनके गश्ती जो बांका के हैं, जो उनको हम बता देंगे तो आपके पास यहाँ। कितने लोग जख्मी हैं और कहाँ इलाज चल रहा है? 3 लोग जख्मी है अभी तो, वो भागलपुर। राज्य सरकार द्वारा ओवरलोडिंग और 14 चक्के के ऊपर के वाहनों से बालू छर्रे सहित अन्य खनिजों के परिवहन पर पूरी तरह से रोक लगी है। इसको लेकर जिला प्रशासन द्वारा झारखंड से लगे सीमावर्ती क्षेत्रों पर चेक नाका लगाकर दंडाधिकारी और पुलिस बल की तैनाती भी की गई है, लेकिन दंडाधिकारी और तैनाती के बावजूद बौंसी थाना के भलजोर बॉर्डर पर जहाँ 24 घंटे दंडाधिकारी और पुलिस बल की तैनाती होने के बाद भी ओवरलोडिंग और 14 चक्के या इससे अधिक चक्के के वाहन से खनिजों का परिवहन से जारी है। खास बात है कि इसमें पासिंग गिरोह के साथ ही बॉर्डर पर जिला प्रशासन के द्वारा तैनात मजिस्ट्रेट शामिल रहते हैं और खुलेआम पैसे की वसूली कर प्रतिबंधित वाहनों को जिले में प्रवेश कराते हैं। ऐसा है, एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें बॉर्डर पर तैनात दंडाधिकारी खुलेआम प्रतिबंधित वाहन से पैसे लेते दिख रहे हैं। बताया जा रहा है कि पासिंग गिरोह प्रतिबंधित ट्रकों से 3,000 रुपये वसूलने के बाद बॉर्डर पर तैनात दंडाधिकारी को प्रति वाहन 500 रुपये देकर ही वाहन को आगे जाने दिया जाता है। वायरल वीडियो में तैनात दंडाधिकारी रजनीश कुमार दिख रहे हैं, जो ओवरलोडेड खनिज लदे 14 चक्के और उससे अधिक चक्के के वाहनों से पैसा लेते दिख रहे हैं।
शंभूगंज थाना क्षेत्र के अंतर्गत शंभूगंज असरगंज मुख्य मार्ग पर गंगटी नदी के समीप सड़क हादसा हो गया, जहां तेज रफ्तार ऑटो ने बाइक सवार दंपत्ति को सीधी टक्कर मार दी, जिससे बाइक खाई में गिर गया और मौके पर ही महिला की मौत हो गई। मृत महिला की पहचान फुल्ली डुमर थाना क्षेत्र के नगरडी गांव निवासी पंचानंद पंजियारा की पत्नी उमा देवी के रूप में हुई है। घायल पंचानंद को शंभूगंज अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां प्राथमिक उपचार के बाद बेहतर इलाज के लिए भागलपुर के मायागंज अस्पताल रेफर कर दिया गया। घटना के संबंध में बताया गया कि पंचानंद पंजियारा अपने पिता का श्राद्ध कर्म समाप्त किया था। पंडितों के कहने पर शांति पूजा के लिए वह अपनी पत्नी उमा देवी के साथ बाइक पर सवार होकर गंगा स्नान करने सुल्तानगंज गए थे। गंगा स्नान करने के बाद गंगा जल लेकर घर वापस लौटने के क्रम में गंगटी नदी के दक्षिणी छोर पर विपरीत दिशा से तेज रफ्तार में आ रहे ऑटो ने बाइक में टक्कर मार दी, जिससे पंचानंद बाइक लेकर असंतुलित होकर सड़क किनारे खाई में गिर पड़े। पत्नी उमा देवी को गंभीर चोट लगने की वजह से मौके पर ही मौत हो गई। घटना के बाद तुरंत स्थानीय लोगों ने शंभूगंज अस्पताल पहुंचाया और इसकी सूचना थाना को दी। घटना की सूचना मिलने के बाद शंभूगंज थानाध्यक्ष उमेश प्रसाद पुलिस बल के साथ घटनास्थल पर पहुंचे, जहां चिकित्सक डॉक्टर अजय कुमार शर्मा ने घायल की हालत नाजुक देखते हुए बेहतर इलाज के लिए भागलपुर भेज दिया। हालांकि मौके की नजाकत को भांपते हुए चालक ऑटो छोड़कर फरार हो गया। थानाध्यक्ष ने बताया कि मामले को लेकर अज्ञात ऑटो चालक के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज करने की कार्रवाई की जा रही है। अमरपुर थाना क्षेत्र के कुसमहा गांव में जमीन विवाद को लेकर दबंगों ने एक युवक को पीटकर जख्मी कर दिया। जख्मी घनश्याम भगत का प्राथमिक उपचार रेफर अस्पताल में किया गया। मामले को लेकर जख्मी ने बताया कि मेरी निजी जमीन पर गोपाल चौबे ने जबरन कब्जा कर लिया है। मंगलवार की सुबह मैं अपने आवास स्थल पर स्थित किराना की दुकान पर बैठा था, इसी दौरान गाँव के ही गोपाल चौबे, पप्पू चौबे, रिंकू देवी अन्य लोगों के साथ हरवे हथियार से लैस होकर आए और गाली गलौज करने लगे। जब तक हम लोग कुछ समझ पाते तब तक रिंकू देवी के साथ आए लोग ने कहा कि घनश्याम भगत को जान से मार दो। इतना सुनकर साथ आए लोगों ने हाथ में लिए लोहे की सरिया और लाठी डंडा से ताबड़तोड़ प्रहार करते हुए जख्मी कर दिया, जिसके बाद किसी तरह भागकर अपनी जान बचाई। जख्मी युवक ने थाने में लिखित आवेदन देकर कार्रवाई की मांग की है। प्रभारी थाना अध्यक्ष राजीव रंजन ने बताया कि आवेदक के द्वारा दिए गए आवेदन पर अनुसंधान किया जा रहा है। उसका पुत्र रिंकू देवी, रिंकू देवी का पत्नी। हमला करने का कारण? कारण जमीन विवाद है, आज दो साल से चल रहा है। जबकि मेरा जमीन है घनश्याम भगत।